So today we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria is a very important topic from the MGCAT as well as from the FSC. तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन और इसके साथ साथ हम इसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ और वो टर्म्स जो हमारे एम डी कैट में यूज़ होंगी वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ये देखिए, ये माइटो एंड कॉन्ड्रिया। जो टर्म माइटो है इसका मतलब है थ्रेड, थ्रेड यानी कि धागा, धागा, स्ट्रिंग्स टाइप, रोप टाइप, और कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन ये ग्रीक वर्ड है, डैट मीन्स टाइनी ग्रैन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स, हम सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं और उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इस वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है हमारे सेल की, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं जिनको इसमें से कहते हैं एटीपी मिल इन द सेल। जैसा कि हम सबको पता है कि मिल या फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे कुछ बनाया जाता है, कुछ मैन्युफैक्चर या कुछ प्रोड्यूस होता है, तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एटीपी मिल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन द सेल भी कहा जाता है। सेल विद इन द सेल कहने की इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि ये एक प्रॉपर, इसके अंदर अपना डीएनए और प्रोटीन्स और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया रीजनरेट खुद ही कर पाता है, रीजनरेट भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, सेल विद इन सेल। इसके अलावा इसको सेल फर्नेस या स्टोरेज बैटरीज भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है और एनर्जी को स्टोर भी करता है। और इसके अलावा इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, या फिर इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन भी कहा, ऑर्गेनेल भी कहा जाता है हमारे सेल का, क्योंकि ये खुद ही रेप्लिकेट करता है। खुद ही रेप्लिकेट करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, डीएनए का प्रेजेंट होना और प्रोटीन्स का प्रेजेंट होना। ये इसके पास ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसके पास अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अलावा खुद भी रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमने बेसिक नाम, जो डिफरेंट नेम्स हैं, वो स्टडी कर लिए हैं, ये हमारे एम डी कैट से रिलेटेड टर्म्स हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का हम सबसे पहले बेसिक फंक्शन देखते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन है सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को खुद प्रोड्यूस कर रहा है। पावर हाउस, ये देखें, ये पीटीबी में मेंशन है, पावर हाउस ऑफ द सेल, दीज आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस यानी जहाँ पे इसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद हम इसकी डिस्कवरी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। मैं यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन कर देती हूँ नोट डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मसल सेल में डिस्कवर हुआ था इन 1850, बहुत पहले टाइम है, यानी कि ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है जो कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं भी थे, तब ये डिस्कवर हो गया था। इसको ऑल्टमैन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1890 में। और इसका एक और जो नाम है उसको बायोब्लास्ट भी कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है बायोब्लास्ट। और ऑल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था और इसको नाम बायोब्लास्ट दिया था, लेकिन जो इसकी टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने कहा था। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, सी बेंडा। सी बेंडा ने इसको 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। इसके साथ इसकी लोकेशन, अब हम स्टेप बाय वाइज मूव करेंगे, इसके बाद इसकी लोकेशन आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, इसको हम एम डी कैट में डिस्कस करेंगे। बस मैं यहाँ पर ब्रीफली बता रही हूँ कि ये मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता प्रेजेंट, ठीक है। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, जब एक रेड ब्लड सेल मैच्योर हो जाता है तो वो अपना न्यूक्लियस लॉस्ट कर देता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। बाकी इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन हम इसको सेकेंड ईयर में भी डिस्कस करेंगे, सेकेंड ईयर की बुक में काफ़ी एक प्रॉपर टॉपिक है इससे रिलेटेड, लेकिन हम यहाँ पर इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सबसे पहले एक प्रोक्रियोटिक सेल होते थे, जब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करके पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, कि प्रोक्रियोटिक सेल्स हमारे कंसीडर किए जाते हैं कि अर्थ पे सबसे पहले प्रोक्रियोटिक सेल्स बने। प्रोक्रियोटिक सेल ने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को एनगल्फ किया और फिर उससे माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के जरिए प्रोड्यूस हुआ, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया की शेप, शेप इसकी सेवरल शेप्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक शेप में एग्जिस्ट करेगा, नो, इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. इट कैड बी स्पायरल, इट कैड बी स्फेरिकल, अलोंगेट, कप शेप्ड और इवन ब्रांच्ड भी होती हैं ये. जहाँ तक इनकी लेंथ और डायमीटर का ताल्लुक है, हम यहाँ पे मैं आपको लेंथ मेंशन कर देती हूँ. इसकी लेंथ होती है 4.1 माइक्रोमीटर. 4.1 तक माइक्रोमीटर लेंथ तो हो सकती है, और इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में ये एग्जिस्ट कर सकता है. इसी के साथ हम ज़रा बुक से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल. दीज आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. सिंपल, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी वेसिकल्स, रॉड्स एंड फिलामेंट्स. मैंने आपको शेप्स बता दी हैं कि किस किस शेप में प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी. Although their number, shape and internal structure vary widely, a mitochondria is bound by two membranes. Yes, क्योंकि ये double membrane bond organelle है, इस वजह से ये eukaryotic cell में present होता है. Outer membrane इसकी smooth होती है, हम structure discuss करते हैं तो आगे देखेंगे. While the inner membrane forms infoldings into the inner chamber called mitochondrial matrix, these infolds are called cristae. अब हम इसके diagram को देखते हैं. Mitochondrial membranes are similar in structure to other cell membranes, also contain DNA as well as the ribosomes. और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन डीएनए इंडिकेट्स दैट सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम. यस, प्रोटीन्स इनमें बनते हैं. और सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का भी इस टर्म इस्तेमाल की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए. अब हम इसकी ज़रा डायग्राम को देख लेते हैं. ये देखें, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं, ये स्मूथ. और ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये इनफोल्ड्स बना रही है. ये जो इनफोल्ड्स हैं इनको क्रिस्टी कहा जाता है. और ये जो स्पेस है, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं ये. और ये इनर मेम्ब्रेन के साथ ये एक पार्टिकल अटैच्ड है, इसको F1 पार्टिकल, फॉर्मेशन 1 पार्टिकल या ऑक्सोसोम्स भी कहा जाता है. यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्ड्स हैं, इनफोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहेंगे. और इनर मेम्ब्रेन के साथ हमारे ये F1 पार्टिकल्स अटैच हैं. F1 पार्टिकल्स का फंक्शन क्या है बेसिकली, ये हम आप आगे चलकर डिस्कस करते हैं. मैट्रिक्स इसका इनर कंपार्टमेंट. और साथ साथ मैं आपको MCQs भी बताऊंगी जो MDCAT में इससे रिलेटेड MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. कुछ वेरी कॉमन MCQs होते हैं जो बार बार रिपीट होते होते हैं, तो हम वो भी लेक्चर के एंड पे वो भी डिस्कस करेंगे. नंबर हमने इसका डिस्कस कर लिया है कि वेरी करता है सेल टू सेल. जिन फंक्शंस इन सेल्स में ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि मसल सेल्स हैं हमारे, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रैपिडली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज भी लार्जर होता है. लेकिन कुछ ऐसे सेल्स जिनको एनर्जी डायरेक्टली इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो कम होता है, साइज़ भी कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. ये बेसिकली अगर मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ करूँ तो सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी कि सेल कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली कोई काम कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है सेल की, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है सेल की. इसी वजह से जो एनिमल सेल्स हैं वो मोर एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स ने कोई मूवमेंट शो नहीं करनी होती है. एनिमल सेल्स ऑन द अदर हैंड मूवमेंट्स शो करते हैं. इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो एनिमल सेल्स में ज़्यादा रैपिडली ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं. जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको कलेक्टिवली हम टर्म यूज़ करेंगे कॉन्ड्रियोम. मैं ये टर्म यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, कॉन्ड्रियोम. कॉन्ड्रियोम की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने प्रेजेंट हैं. स्ट्रक्चर हमने डायग्राम से देख लिया है. स्ट्रक्चर में F0 या F1 पार्टिकल्स भी इनको कहा जाता है. दीज पार्टिकल्स, ये देखें, ये यहाँ पे अटैच हैं, F0, F1 पार्टिकल्स. इनको ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं. ऑक्सीसोम, ऑक्सीजोम कहते हैं, या आप लोग नोट डाउन कर लें. इसके अलावा इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है. एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है. इसी के साथ साथ इनको ATP सिंथेज भी कहा जाता है, क्योंकि सेल में इन्होंने ATP सिंथेज कहा जाता है. और ये जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम इनवेलप भी कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन इनवेलप हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, और F0, F1 पार्टिकल हो गया.
अब हम इनके अलग अलग से फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि इनका बेसिकली सेल में फंक्शन क्या है। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन यानी कि हमारी एनवेलप, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्मूथ है, इसमें कोई रिजेस नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, स्मूथ मेम्ब्रेन है हमारी। ये जो सेल की हमारे सेल मेम्ब्रेन की जो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन है सेल की, उनसे ये रिलेटेड होती है, यानी कि ये स्मूथ होती है। कुछ कुछ इसमें पोर्स होते हैं, उनको हम पोरिंस भी कहते हैं, यानी कि सिव लाइक सिव होते हैं, या उनको पोरिंस कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें गुजरने के लिए पोर्स बने हुए होते हैं जिससे मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। और ये क्योंकि पोर्स का नाम सुनते ही मतलब कि एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, यानी कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स के दरमियान मटेरियल्स ने एक्सचेंज होना है। और अगर एमडीकेट से रिलेटेड टर्म है कि अगर हम इसकी आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो डैट वुड बी कॉल्ड प्लास्ट। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन रिमूव कर दें तो माइटोप्लास्ट कहलाया जाएगा ये। अब हम मूव करते हैं इसके इनर मेम्ब्रेन की तरफ। ये देखें इनर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ नहीं होती, ये बात हमने पहले डिस्कस की है। ये इनफोल्डिंग्स बनाती है इनर चैम्बर में, इन चैम्बर्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इन इनफोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। ये देखें ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बनाती है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है बेसिकली, ये देखें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसकी कंपोजिशन क्या कुछ है। इसमें एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का फंक्शन हमें पता चल गया क्योंकि इसने प्रोटीन्स बनाने हैं। प्रोटीन्स का फंक्शन क्यों लिया है, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके अलावा को एंजाइम्स भी नेसेसरी हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके लिए नेसेसरी हैं क्योंकि ये सेल विद इन सेल, यानी कि एक प्रॉपर सेल की तरह ये काम कर रहा है। आरएनए इसमें ऑल काइंड्स ऑफ प्रेजेंट होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट इन इट। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए डिफरेंट सेल और जो न्यूक्लियस का डीएनए वो डिफरेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो स्मॉल होता है और सर्कुलर होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ द सेल होता है। इसका जो राइबोसोम है वो 70S होता है और ये सिमिलर है प्रोक्रियोटिक सेल के राइबोसोम से, जबकि हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस में होता है राइबोसोम्स वो 80S होते हैं, 80S यानी कि लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल यानी कि 70S होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हो गई है किस वजह से, क्योंकि इनमें डीएनए प्रेजेंट है, इनमें अपने एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, कोएंजाइम्स हैं, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग। F0, F1 पार्टिकल्स स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको F0 कहा जाता है या F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। ये देखें ये स्टडेड पिन है, पिन हेड बना हुआ है ये, इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल, ATP सिंथेज या ATPase, ये मैंने आपको सारे डिफरेंट नाम जो जो इनकी टर्म्स यूज होती हैं डिफरेंट MDCAT या FSC हमारे डिफरेंट बुक्स में, वो मैंने आपको सारे एक ही जगह बता दिए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ इनको, ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F0, F1 पार्टिकल, ATPase और ATP सिंथेज। अब आता दिया कि आखिर ये F0, F1 पार्टिकल, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है यहाँ पर। तो जो इनका मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन दैट प्रोड्यूसेस ATP। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन बेसिकली क्या चीज़ है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि नेम जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट ATP। ये हम चैप्टर 11 बायोनर्जेटिक्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता रही हूँ कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP प्रोड्यूस करना। ATP कैसे प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके, ऑक्सीजन की हम रिडक्शन करेंगे और हम ATP यानी कि एनर्जी बनाएंगे सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो बेसिक पर्पज़ है वो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करना है। इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी बुक में, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी बुक में इसके कुछ फंक्शंस मेंशन हैं। ये देखें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड, यानी कि फूड डैट वी यू इनटेक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP
ATP is the major energy currency of the cell. जब भी हम cell में energy की बात करेंगे तो हमारे mind में foreign flash करना चाहिए कि we are talking about ATP. ATP is the basic major energy currency of the cell. There are all the other forms used like NADPH or FAD, but the basic one is ATP. ATP then provides the cell energy to the cell on demand. Yes, ATP जब हमें cell signal करेगा कि cell में energy की requirement है. ATP माइटोकॉन्ड्रिया फौरन एक्टिव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करेगा और जितने सेल को एनर्जी की ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करेगा. साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या किस फंक्शन में इन्वॉल्व है. एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, क्रेब्स साइकिल में है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म्स हैं. फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म्स यानी कि लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है. ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है. ये MCQ में पूछी जाती है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेजर फंक्शंस हैं. मैं बहुत क्लीनली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, यस ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट्स, एंड कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस एनर्जी यूज फॉर वॉरियस सेलुलर एक्टिविटीज़. बेसिकली हमारी जो मेजर सेलुलर एक्टिविटी है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, क्रैब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन. अब जो एनर्जी है जो यूज हो जाती है वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि उसको रीजनरेट करना ATP में. इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ इसकी, ये देखें. बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है कि अगर एनर्जी ATP है वो एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जब वो अपना काम कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में. अब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होना है वो ये है कि ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो प्रोवाइड करेगा और उसको दोबारा ATP में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो रीजनरेशन ऑफ ATP है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. रीजनरेशन ऑफ ATP इंटू प्लस PI इंटू ATP. इसी के साथ साथ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो क्या कुछ होते हैं वो मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देती हूँ, बिकॉज ये FSC के सिलेबस में नहीं है लेकिन ये MDCAT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन करते जाएँ साथ साथ. सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो साइट है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है. मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है. ये कैसे हो रही है, इसका प्रोसेस क्या है? देखें, हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, उसके साथ हम ऑक्सीजन 6O2 प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन की जो बेसिक इक्वेशन है वो बता रही हूँ. वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में और साथ हमारा मेजर जो हमारा कंपोनेंट है यानी कि ATP एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि हमें नेसेसरी हैं ये प्रोसेसेस करने के लिए ATP जनरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनानी है. यॉर्क फॉर्मेशन, इसको हम, इसके लिए हमारे पास एक साइंटिफिक टर्म है, विटालोजेनेसिस. विटालोजेनेसिस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, विटालोजेनेसिस यानी कि यॉर्क फॉर्मेशन. यॉर्क फॉर्मेशन कहाँ पे होनी है? एग में. एग क्या है? ओसाइट. तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है ये यॉर्क फॉर्मेशन करना ओसाइट में. इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्रीफली पढ़ा था फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. ये देखें, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. ये बेसिकली क्या काम है मैं आपको बताती हूँ. स्मॉलर फैट्स होते हैं, शॉर्टर चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की, लार्जर नहीं, स्मॉलर चेन्स. इसको हम ब्रेक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में बाय बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस.
तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन का जो रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया मेजर रोल प्ले कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन में। अब ये प्रोसेस क्या है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बल्कि लिख देती हूँ। RUBP यानी कि रेबुलोज बिसफॉस्फेट, इसके साथ हम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और बनाएगा ग्लाइकोलेट। ये प्रोसेस हमारा कहाँ पे हो रहा है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोलेट बनाना है। ये प्रोसेस हमारा हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट हमें ग्लाइकोलेट मिला है, ग्लाइकोलेट ने पर ऑक्सीजोम एक और ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया से डिराइव होती है पर ऑक्सीजोम। ये ऑर्गेनेली हमारे ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करती है ग्लाइसिन में, ठीक है। अब ग्लाइसिन जो है इसने कन्वर्ट होना है सेरीन में, और सेरीन में कन्वर्ट होकर साथ में ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बेसिकली ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ग्लाइसिन की कन्वर्जन सेरीन में और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, हम इसको पढ़ते हैं कि ग्लाइसिन एलानिन दीज आर कंसिडर द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो कि आफ्टर इट्स फॉर्मेशन डिफ्यूजेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर टू ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेरीन एंड सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो बेसिक ये वाला प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन इनटू सेरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया।